सो ही दोस्त गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम खेल रहे हैं पोकेमॉन स्टोन ड्रैगन 3। और गाइस मैं बता सकता हूँ कि ये गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि देखो गाइस इसमें कुछ खास नए फीचर हैं। देखो एक तो है कि हम अगर टीम प्लाज्मा से हार जाते हैं ना, तो वो लोग हमारे एक पोकेमॉन चुरा लेते हैं। तो अगर हम उनसे हारे तो हमारा एक पोकेमॉन चला जाएगा। तो कोशिश करूँगा कि मैं ना हारूँ उनसे, क्योंकि अगर मैं हारा तो मेरा पोकेमॉन चला जाएगा यार। अगर गलती से उन्होंने मेरा स्टार्टर पोकेमॉन ले गए तो फिर मेरी लग जाएगी यार। और एक और कमाल की चीज़ है इसमें जो अभी मतलब पता चलने वाली है, ठीक है। शाइनी पोकेमॉन से रिलेटिव है, तो थोड़ी देर में पता चल जाएगी, ठीक है। बस थोड़ा सा वेट करो। और ये गेम इंग्लिश में नहीं है, तुम देख ही सकते हो। क्यों नहीं है यार, मतलब सच में मुझे गाइस इसका इंग्लिश वर्जन ढूंढना पड़ेगा यार, अगर है तो। अगर गाइस तुम सबको पता हो कि अगर इसका इंग्लिश वर्जन आ चुका है या नहीं आ चुका है तो मुझे बता देना, ठीक है। कि मुझे यार इंग्लिश में खेलना है इसे, कि अगर मुझे इंग्लिश में खेलने को नहीं मिला तो कोई फ़ायदा नहीं यार, ठीक है। ओके जियो रखते हैं इसका नाम जल्दी से। वैसे गाइस मैंने एक और वीडियो वाला पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड अल्टीमेट का मतलब रिकॉर्ड किया था, पर एडिटिंग गाइस सच में गाइस मुझे थोड़ी सी एडिटिंग बोरिंग लगती है, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ वीडियोस। और मेरे पास सभी 4-5 वीडियोस पड़े होंगे, मैं बता सकता हूँ, ठीक है। बस मुझे एडिटिंग थोड़ी सी बोरिंग लगती है और इसलिए मैं थोड़ा आलसी हो जाता हूँ। और ये हमारा राइवल होने वाला गाइस एस इस बार, तो इसका नाम ऐस ही रखेंगे यार, उल्टा सीधा नाम नहीं रखने वाला मैं। चलो ठीक है, ऐस की स्पेलिंग क्या होती है वैसे, ठीक है। एक गाइस, ओके गाइस बढ़िया। ओह मैंने नाम तो सही लिखा है ना, कहीं गलत ना लिख दिया, ठीक है गाइस ये तो हो गया। पर ये गेम इंग्लिश में नहीं है यार सच में। यहाँ पर क्या चल रहा है, तकिया वगैरह पड़े हैं यहाँ पर। और ये रहा हमारा कंप्यूटर, मैं सोच रहा हूँ थोड़े से गेम वगैरह खेल लूँ। और एकदम परफेक्ट सेटअप लगा रखा है यहाँ पर। देखो ये कीबोर्ड है और ये देखो सब कुछ एकदम मस्त है। चलो गाइस चलते हैं। और ये रहा हमारा बिस्तर जिस पे पुगिल बनी हुई है। या वो क्या हो गया, व्हाट, ईमेल चेक करना। अच्छा मुझे ईमेल किसने भेज दिया मुझे, एक मिनट गाइस में थोड़ा अभी आया थोड़ी देर में। सो गाइस मुझे अभी अभी मतलब पोकेमॉन स्टोन ड्रैगन 3 का इंग्लिश वर्जन मिल गया है, तो मैं अभी उसे डाउनलोड कर रहा हूँ। ऊपर से मेरा नेट मतलब सच में काफ़ी स्लो है। अब मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं गाइस चल जाएगा, कम से कम इंग्लिश वर्जन में तो मिल ही गया कम। ओके गाइस ऑलमोस्ट हो गया है। और गाइस मैं इसे मतलब अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है, अगर किसी को चाहिए हो तो, ठीक है। ओके अभी कर देता हूँ गाइस, ठीक है। तो ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, आप देख लेना, ठीक है, पोकेमॉन हॉस्टल। यप ये पुराना वाला चैनल है जिसमें मैं पोकेमॉन होराइजन के एपिसोड अपलोड करता था, तो मैंने काफ़ी टाइम से नहीं किया। चलो ठीक है मैं अभी कर देता हूँ, वैसे करते कहते हैं। चलो गाइस मुझे मिल गई है फाइल, अभी मैं इसे अपलोड कर देता हूँ एकदम बढ़िया से, ठीक है। अगर आप किसी को भी मतलब गेम की फाइल मतलब गेम खेलना हो ना, तो यहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके डाउनलोड कर लेना, काफ़ी इजी है। वैसे मेरा नेट क्यों नहीं चल रहा है, सच में गाइस आजकल मेरा नेट काफ़ी स्लो चल रहा है। ठीक है जी, जब तक तो अपलोड हो रहा है तब तक तो मैं गेम तो खेलूँ। लेट्स गो, इसे कट करो पहले तो। ओके नई वाली फाइल कहाँ है, एक मिनट मुझे अभी, एक मिनट गाइस में अभी आया। चलो ठीक है गाइस, अभी मैंने कर लिया सब कुछ सेटअप। और अब गाइस मैं सोच रहा हूँ कि मैं गर्ल के साथ मतलब जाऊँ, गर्ल कैरेक्टर के साथ मैं जाने वाला हूँ। या मतलब सर ही ना है गर्ल कैरेक्टर, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो मुझे इसका नाम यार कुछ और रखना पड़ेगा यार, क्या रखूँ, इम्पा रखते हैं, ठीक है, मुझे पसंद है ये नाम काफ़ी अच्छा लगता है। ओके एक मिनट गाइस, इम्पा। चलो गाइस हो गया हमारा काम, इम्पा रख दिया मैंने इसका नाम, काफ़ी बढ़िया। ओके गाइस लेट्स गेट, ओ इसका तो मुझे ऐसे ही रखना पड़ेगा, एक मिनट गाइस। चलो गाइस मेरा हो गया यहाँ पर, ठीक है बढ़िया, अब जल्दी जल्दी करते हैं। तो गाइस हम जा रहे हैं यहाँ पर। ओ आई ऑलमोस्ट फॉरगेट, मैं अपना ईमेल चेक करना तो भूल ही गई, चलो जल्दी से चेक करते हैं। ओ यहाँ पर किसी ने, ओ सॉरी गाइस मतलब मैंने काफ़ी सारे ईमेल नहीं देखे हैं, जल्दी से देखते हैं। ओ एस का ईमेल है, वाह। हेलो इम्पा, डू यू नो प्रोफेसर जूनिपर, ओके क्या मतलब, सी इज़ अ फेमस रिसर्चर ऑफ पोकेमॉन, इन फैक्ट सी इज़ अन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माई। ओके गाइस काफ़ी मज़ा आने वाली है। एंड सी कॉल्ड मी दिस मॉर्निंग, अच्छा ठीक है। आई एम ऑन माई वे टू यूनोवा बट आई हैड अन अनफॉर्चुन प्रॉब्लम
एंड आई एम गोइंग टू बी अ लिटल लेट। अच्छा मतलब ये देर हो जाए ये ऐश के एच एम को, ठीक है देखते हैं। मतलब ऐश तो मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता, तो कुछ भी कर रहा होगा। तो हमें गाइस लैब में जाना है, लेट्स गो गाइस। ठीक है हम मिलते हैं लैब में। और पुकर ऐश के बारे में तो मुझे पता ही है, मुझे ज़रूरत नहीं है उसके बारे में जानने की। ठीक है मैंने लगता है यस कर दिया होगा। वन मोर क्वेश्चन, यू वॉन्ट अ पोकेमॉन। मुझे एक पोकेमॉन चाहिए, ये सवाल पूछ रही है, मतलब सवाल पूछ रहा है ऐश के एच एम। तो अगर मैं कहूँ नो तो क्या होगा? आई डोंट मीन टू बी अ सेल्फिश बट आई विश यू वुड बी अ लिटल नाइसर हैविंग अ पोकेमॉन मीन्स ट्रेवलिंग द वर्ल्ड। थिंक अबाउट दैट फॉर अ सेकेंड। या एक बार फिर से पूछेगा ये, और मैं फिर से नो करने वाला हूँ। ओके ठीक है, मतलब उसने सेम चीज़ बोली है। ठीक है यस कर देते हैं, वरना तो बेचारा ऐश के एच एम पागल हो जाएगा। ओके इम्पा, अ गर्ल इज़ वेटिंग फॉर यू एट योर हाउस। अच्छा मेरे घर पे कौन है? ओ प्रोफेसर जूली पर असिस्टेंट। अच्छा ठीक है फिर हम जाके मिलते हैं। ओ ये कौन है? ओ ये कौन बंदा आ गया? ओ तुम कौन हो? तुम्हें किसने भेजा? हाँ ओके, दिस टाउन हैज़ बीन टेकन ओवर बाय टीम प्लाज्मा। गाइज सच में मतलब मजाक नहीं हो रहा गाइज, टीम प्लाज्मा ने पूरे टाउन पे हमला कर दिया है और उन्होंने पूरे सबको मतलब कब्जा कर लिया है। ओ माय गॉड गाइज, अभी से ही काफ़ी ज़्यादा हाइप हो रहा है इस स्टोरी में गाइज। पता नहीं और क्या क्या होने वाला है आगे। टीम प्लाज्मा इज़ अ विलन टीम इन यूनिवा। ओके, टू ईयर आफ्टर द डिफीटेड ऑफ द टीम प्लाज्मा द ग्रुप रिटर्न्ड विथ अ न्यू गोल टू डिटरमाइंड यूनिवा। ओके ओ माय, ओ मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे तो प्रोफेसर जूनिपर के पास जाना है। चलो वो मेरा इंतज़ार कर रही होंगी नीचे, मुझे जाना चाहिए। और लेकिन वो टीम प्लाज्मा वहाँ पर, ये तो ख़तरनाक होगा, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी सा टाइम पास करके गेम खेल लेना चाहिए। सॉरी गाइस हमें नीचे जाना चाहिए। चलो वो टीम प्लाज्मा, जस्ट एस आई थॉट, डोंट वरी आई वॉन्ट लेट एनीथिंग बैड हैपन टू यू। अच्छा ये क्या करेगी? ओ ये यहाँ पर हो क्या रहा है? कुछ नहीं बस ये इन लोगों ने मुझे बस ये ब्लैक कपड़ों वाले जो आंटी अंकल है ना, इन्होंने पूरे टाउन को मतलब टाउन पर कब्जा कर लिया है और हम यहाँ पर फंस चुके हैं। हमारे पास कोई पोकेमॉन नहीं है और बस इतना ही। ओके ईथर बाय मैनिपुलेटिंग द ट्रेनर टू रिलीज देयर पोकेमॉन और बाय स्टीलिंग। अच्छा ठीक है मतलब पोकेमॉन चुराने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। ओ हाँ ये सही है। ओके ये कौन आ गया? ये भी कोई बॉस है क्या इनकी, मतलब टीम प्लाज्मा की? एंड द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर मिशन हैज़ बीन मतलब पूरा हो गया। सॉरी वी रिलीज ऑल द पोकेमॉन फ्रॉम प्रोफेसर जूनिपर्स लैब। अच्छा ओके गाइज, अब हमें पोकेमॉन मिलेगा या नहीं? अब कोई और पोकेमॉन ट्रेनर नहीं बन पाएगा ये? ओ नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बहुत ही पूरा है। व्हाट विल बिकम ऑफ द न्यू ट्रेनर्स ऑफ यूनोवा? कम ऑन वी आर गट नथिंग एल्स टू डू हेयर। हमें यहाँ पर कोई काम नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। यस मैम हमें जाना चाहिए। यस सर बोला उसने वैसे। पर ये सच में लड़की है क्या? मतलब मुझे तो लड़की जैसी लग रही थी यार मुझे तो, पर उसने यस सर बोला तो हो सकता है वो लड़का हो, क्या पता, कुछ भी चलता रहता है यहाँ पर तो। ओ लेट्स सी यहाँ पर हो क्या रहा है। वी नीड टू गो टू द लैब, प्रोफेसर जूनिपर मस्ट बी इन डेंजर। हाँ ठीक है हमें चलना चाहिए, वैसे हमारे पास पुख नहीं, फिर हम करेंगे क्या वहाँ पर जाके, पता नहीं यार। ओ ये दोनों तो क्या कर रहे हैं? दे टुक माई पुक यू ऑल्स। ओ उन्होंने मेरे पुख चुरा लिए, नहीं और उन्होंने मेरा पोकरियस भी ले लिया। अरे क्या बात है, पोकरियस भी चुरा लिया। बच्चे तुम दोनों शांत हो जाओ ठीक है। हम प्रॉमिस करते हैं तुमसे कि हम तुम्हारे पोकेमॉन लेके आएंगे, डोंट वरी। देयर चिल्ड्रन वर रॉब्ड बाय टीम प्लाज्मा। हाँ ठीक है तो ये कौन है? यहाँ पर सब ठीक है ना? द सिटी लैक्स ऑल काइंड ऑफ सिक्योरिटी बाय मनी वॉज स्टोलन बाय दिस मैन। अच्छा पैसे भी चुरा लिए। ओके मतलब ठीक है काफ़ी कुछ चल रहा है सिटी में। और ये लैब है गाइस, चलो लैब में देखते हैं, यहाँ तो पक्का कुछ चल रहा होगा। तुम यहीं पे रुको, मैं बस अभी आई।
ओके थैंक यू सो मच, मुझे लगा कि वो वहाँ पर रुकेगी। ठीक है, हेलो इम्पा, इट्स नाइस टू फाइनली वी आर वेल टू टॉक। अच्छा ठीक है, हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। पर मुझे तो कोई अच्छी बात नहीं लग रही इसमें, अच्छी बात क्या है इसमें, सारे पोकेमॉन तो चोरी हो गए। ओके एस ने तुम्हें ईमेल तो भेजा ही होगा है ना, हाँ लेटिंग मी नो यू वी आर कमिंग। हेलो प्रोफेसर, इट्स अ प्लीजर टू मीट यू। यहाँ पर पूरे सिटी पे हमला हो गया और ये आराम से बातें कर रहे हैं, सच में कुछ भी हो रहा है यहाँ पर। ट्रैवलिंग विथ योर पोकेमॉन इज ट्रूली वन ऑफ द जॉयज ऑफ बिगिनिंग। कोई मतलब बात करेगा उन टीम प्लाज्मा के बारे में, मतलब पूरे सिटी पे टीम प्लाज्मा ने हमला कर दिया, सारे पोकेमॉन चोरी हो गए, पैसे चोरी हो गए, फिर भी ये लोग आराम से बातें कर रहे हैं आपस में। और ये कौन है यार, ये बैकग्राउंड में इतनी नॉइज़ हो रही है, सॉरी गाइज, वो बैकग्राउंड में कुछ ज़्यादा ही नॉइज़ हो रही थी, मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी फिर। एस्पिरिटा सिटी, ओके नाम मैं गलत बोल रहा हूँ मुझे पता है। क्रिमिनल्स एंड दे टुक ऑल योर पोकेमॉन। एक्सक्यूज मी प्रोफेसर, ओ एस के चंपी आ गया, क्या बात है, क्यूट लग रहा है। हे एस, व्हेन वाज द लास्ट टाइम वी सॉ ईच अदर्स। हाँ पता नहीं, साल हो गए, ओ दो साल हो गए गाइस, क्या बात है, आई कांट क्वाइट रिमेंबर। वेल दैट्स नॉट एग्जैक्टली व्हाई आई कम हियर, योर असिस्टेंट टोल्ड मी that a group of the people who call themselves Team Plasma, okay, इसको पता नहीं क्या Team Plasma के बारे में। ठीक है, मतलब पूरी सिटी पे उन्होंने कब्जा कर लिया था, और हाँ अब वो पूरी यूनिवर्सिटी पे भी मतलब कब्जा करने की सोच रहे होंगे। As soon as I received your email, my house was invented by Team Plasma, but I don't understand why they wanted to invent the city. We believe that the reason why they broke into the lab was to find the Dexnap. Oh, Dexnap ढूंढ रहे हैं ये लोग, क्यों? पर आई थिंक Dexnap गाइस, उससे हम किसी पोकेमॉन को पता कर सकते हैं, मतलब कहाँ पर होता है वो वाइल्ड में, तो हम वाइल्ड पोकेमॉन को मतलब आराम से उसे ढूंढ सकते हैं, तो वो काफ़ी बढ़िया चीज़ है वैसे Dexnap। इंफॉर्मेशन अबाउट वाइल्ड पोकेमॉन इन एवरी लोकेशन एंड इज अलाउड टू allow you to search for a specific Pokemon। हाँ मतलब यही मैंने कहा था, मतलब वही चीज़ है, तो काफ़ी सही, मतलब काफ़ी अमेजिंग गैज रहेगा इसे, काफ़ी कमाल का, और मुझे तो चाहिए यार, मुझे दे दो बस, मज़ा आ जाएगी फिर तो। इट डजेंट प्रूव एनी थिंग बट इट शुड बी अ पीस ऑफ द पजल, यू नीड वी लुक डीपर इन वुड बी डिफिकल्ट टू मेक अ गैस ऑन देयर रीजन्स। Let's see if we can find out the real reason for their raid and if there is any way to stop them. You always amaze me. Yes, yes, yes. Your determination to fight against Team Plasma is admirable. Sorry guys, but it is risky too. This kind of feeling is pure adventure. Yeah. Yep. मजा आएगी फिर तो। वी विल लीव दैट अप टू यू। हाँ ठीक है, हम संभाल लेंगे, ऐसे भी हमें ही करना होता है सारे काम तो। दैट्स राइट, मेक फ्रेंड्स विद न्यू पीपल एंड पोकेमॉन एंड ग्रो एज अ पर्सन। अभी क्या बात कर रही है, मतलब जहाँ पर टीम प्लाज्मा के बारे में चल रहा है, क्या अलग सी बात कर रही है, हद होती है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल ऑफ योर जर्नी। एज फॉर योर पोकेमॉन इम्पा, आई एम सॉरी, अनफॉर्चुनेटली टीम प्लाज्मा टुक ऑल द पोकेमॉन इन द लैब। ओ यार सच में, अब मुझे पोकेमॉन कौन मिलेगा? डोंट वरी अबाउट दैट प्रोफेसर जुलीवल, आई विल हेल्प हर कैच अ पोकेमॉन। ओ यार मतलब सच में एच कैचअप मेरे लिए पोकेमॉन पकड़ेगा, ये तो काफ़ी बढ़िया बात है। योर ओन स्टोरी ऑफ ग्रेट एडवेंचर इज अबाउट टू अनफोल्ड। अच्छा ठीक है, वाई योर जर्नी यू विल मीट काउंटलेस पोकेमॉन एंड पीपल, आई एम श्योर दैट अलोंग देर द वे यू विल डिस्कवर मैनी थिंग्स। हाँ ठीक है, कितना बोलेगा यार ये एच कैचअप सच में। नाउ लेट्स गो, हाँ मैं भी यही चाहता हूँ कि तू चल मेरे साथ। ओ ये मेरे पीछे चल रहा है, अच्छी बात है। ओके मैं एक बार इससे बात कर लेता हूँ, असिस्टेंट से। आई स्टडी पोकेमॉन लाइक प्रोफेसर जूनिपर, बस इतना ही। ठीक है चलते हैं, और रनिंग शूज है मेरे पास पहले से, क्या बात है।
तो मुझे जाना है गाइस, कहाँ जाना है, वाइल्ड में जाना होगा क्योंकि हमें पोकेमॉन पकड़ना है ना कोई, तो वाइल्ड में चलते हैं, ये होगी ज़रूर। चलो गाइस, ओ एक रूट 121 मतलब 101। वी आर ऑन अ रोल, सी दैट टॉल ग्रास और वी कैन फाइंड सम पोकेमॉन। हाँ पता है मुझे, बताने की जरूरत नहीं है। वी विल हैव टू बैटल एंड वी कैन इट बिफोर थ्रोइंग अ पोकेबॉल। ये कितने बार मतलब, ओ ये कौन है, एक मिनट, दैट वॉइस साउंड लाइक एस, ये आयरिस है ना, क्या बात है, मतलब आयरिस भी यहाँ पर है इस गेम में, काफ़ी बढ़िया गेम गाइस। देर यू आर, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, संभल के यहाँ पर काफ़ी सारे पोकेमॉन हैं, तुम इससे बच के मेरे बारे में फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर मतलब, ये कौन है, ये लड़की मतलब ये लड़की कौन है, ये मेरी फ्रेंड है इम्पा, सॉरी गाइस, सरीना होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। सी इज स्टार्टिंग हर पोकेमॉन जर्नी ओनली टीम प्लाज्मा राइडेड द सिटी एंड स्टोलन एवरी पोकेमॉन फ्रॉम प्रोफेसर जूलीपर। आई वॉज हेल्पिंग हर कैच हर फर्स्ट पोकेमॉन, दैट्स टेक मी बैक व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी विथ एक्सियो। आई वॉज बोर्न एंड राइज इन द विलेज ऑफ ड्रैगन एंड स्पेंड मैनी माई टाइम्स प्लेइंग विथ द वाइल्ड पोकेमॉन। आई डिडन लाइक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन, आई बिलीव देम टू बी स्कैरी, बट आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत थी। जैसे जैसे टाइम बीता मुझे वो पसंद आने लगे और मैं उन्हें चैलेंज करने लगी, ठीक है मतलब गलत हो गया। एक दिन मैं ड्रैगन मास्टर जरूर बन के रहूँगी, ठीक है। व्हाट अ क्यूट स्टोरी आयरिस, इसमें क्यूट कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। आई ऑल्सो वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड एंड हैव माई स्टोरी विथ माई पोकेमॉन। आई हैव बीन ट्रैवलिंग अ लॉट, सो आई हैव मीट अ लॉट ऑफ ड्रैगन टाइप पोकेमॉन। अब इन दोनों की बातें शुरू हो गई, सच में मतलब यहाँ पर हम पोकेमॉन पकड़ने आए हैं, चुपचाप पोकेमॉन पकड़ो ना। इस अ बिग जो हैज़ इनक्रीजेबल डिस्ट्रैक्शन पावर, अच्छा इसने कुछ दिया हमें, मतलब मैंने देखा नहीं। योर पोकेमॉन विल बी ग्रो इन बैटल बट कीप दिस इन माइंड, पोकेमॉन नीड अ लॉट ऑफ अटेंशन। हाँ ठीक है, बहुत हो गया। इतना कौन बोलता है यार, कौन बोलता है। इफ़ यू सी अ पोकेमॉन दैट यू वॉन्ट टू ज्वाइन यू, बी श्योर टू यूज अ गुड टाइप ऑफ पोकेमॉन पोकेबॉल, टेक दिस एज अ प्रेजेंट। अच्छा ठीक है, गुड लक, आई होप योर जर्नी विल बी द एडवेंचरस ऑफ योर लाइफ टाइम। वेयर आर यू गोइंग, आई एम लुकिंग फॉर forward to having serious battle with the strong trainers. If I battle with people like that, not only will I get stronger but my Pokemon will be too. अच्छा ठीक है, कितना बोलती है, मैं तो थक गया है मतलब बोलते। She's been a friend of mine for a long time and I am sure she's will be help you on your journey. चलो ठीक है, अब मुझे Pokemon पकड़ने दो, क्या करूँगा इसमें, कौन सा पोकेमॉन पकड़ूँ, पर मुझे यार कुछ ढंग का पोकेमॉन चाहिए था यार स्टार्टर के तौर में। ठीक है देखते हैं कौन सा पोकेमॉन, मैं ये पोकेमॉन नहीं पकड़ने वाला, मैं बता रहा हूँ। व्हाट टायरेंट, टायर मेरे पास कहाँ से आ गया टायरेंट, अरे यार ये मेरा स्टार्टर पोकेमॉन सच में। ठीक है मतलब अभी इतना बुरा भी नहीं है, फिर कोई बात नहीं, चलता है और क्या। अरे हट जा भाई, हट जा। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, एक काम करते हैं, मैं एक स्टायू पकड़ लेता हूँ गाइस। हाँ स्टायू चाहिए तो, पर ये काफ़ी लो लेवल का है, कम से कम 4 लेवल का मिल जाए। अरे हट जा भाई यार, क्यों रास्ते में मेरे आ रहा है तू, पूछ ही ना क्या था वो, ठीक है जो भी नाम था। सो गाइस मैं पकड़ने वाला हूँ एक स्टारली, अगर मेरे पास पोकिल हो तो। लेट्स सी गाइस, मेरे पास पोकिल है क्या, ओ है तो सही बढ़िया, इसे मैं पकड़ता हूँ गाइस, क्योंकि देखो अगर टीम प्लाज्मा से मेरी बैटल हुई तो मेरे पोकिल ले लेंगे यार वो लोग, तो इसलिए थोड़े से पोकेमॉन रखेंगे अपने पास और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना के रखूँगा अपने पोकेमॉन को। ओके बढ़िया, काफ़ी इजीली हमने पकड़ लिया। चलो गाइस ये तो हो गया हमारा काम, और यहाँ पर कुछ है क्या, ओके यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी गाइस हम कहाँ जा रहे हैं, अरे कहाँ फंस गए मैं। ओके लेट्स गो, एक काम करते बैटल कर ही लेते हैं गाइस इनसे, क्योंकि अगर मैं हार गया ना टीम प्लाज्मा से तो अच्छी खासी बेइज्जती भी होगी और मेरे पोकेमॉन भी चले जाएंगे, तो या मैं थोड़ी सी ट्रेनिंग वगैरह कर लेता हूँ। और ये मेरा स्टाली मतलब मर गया यार, ठीक है मुझे हील करना पड़ेगा।
नर्जोय कहाँ पर हैं आप? और ये बच्चा क्या कर रहा है? किसका बच्चा ये? अरे बच्चे रुक जा, अरे रुक जा भाई। आई एम फ्रॉम द कालोस रीजन, आई डिड लाइक टू सी अ ऑसबॉट, डू यू हैव एनी? नहीं नहीं मेरे पास नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। व्हाट अ सैम, तेरी तो मैं इसे पकड़ के मारूंगा, मैं बता रहा हूँ इस बच्चे को। इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? चलो ठीक है गाइस, बढ़िया। ऐसे कैसे क्या मेरे पोकेमॉन को हील करेगा? पोकेमॉन आर अमेजिंग, सो स्मेल स्मॉल बट बी बट सो स्ट्रॉन्ग, आई एम सो ग्लैड यू हैव अ पोकेमॉन। हाँ ठीक है ठीक है, इतना बकवास कर रहा है, मुझे पोकेल चाहिए थी। सो गाइस मतलब ये गेम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मतलब काफ़ी मज़ा आ रही है सच में। और ये कौन सा पोकेमॉन है? ये गोस्ट टाइप पोकेमॉन है ना, या फिर ये स्टार्ली है? एक मिनट, स्टार्ली है वो भी 5 लेवल का गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि इसे पकड़ते छोड़ो, मतलब यार मतलब वो 3 लेवल का है वैसे, तो इसलिए सोच रहा हूँ मैं इसे पकड़ लेता हूँ। ओके बढ़िया। और यहाँ पर कोई है पोकेमॉन? एक मिनट, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, एक बार मैं देखूँ तो सही। थोड़ा सा टाइम पास करना बनता है गाइस, अगर गेम ना खेलो मतलब अगर गेम कोई खेल रहे हो तो थोड़ा टाइम पास करना तो बनता है यार। और ये पोकेमॉन काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे तो, इसकी आंखें तो देखो कितनी चमक रही है। ये एक किस तरह, ओ नो गाइस ये शाइनी पोकेमॉन है, मेरा फर्स्ट शाइनी गाइस इस गेम में। ये मरना जाए यार, हाँ मतलब अगर ये मरा तो क्या होगा, एक बार पोकेल फेंक के देखूँ। ठीक है, वाह गाइस ये होती है ना बात, कोई हमने शाइनी पोकेमॉन पकड़ लिया गाइस वो भी इतनी आसानी से, मैंने मुझे तो कुछ करना भी नहीं पड़ा। तभी मैं सोच रहा था कि इसकी आंखें थोड़ी अजीब सी लग रही है तो ये पैड रेड था, वाह क्या बात है। ओके ये क्या है, पोकेमॉन सेंटर होना चाहिए ये, वाह गाइस दैट्स अमेजिंग यार, मतलब ये पोकेमॉन सेंटर देखो कितना बढ़िया लग रहा है, मतलब कितना ब्यूटीफुल गेम गाइस। दिस इज द पोकेमॉन सेंटर, डजंट यू फील सो मच बेटर व्हेन यू वॉक थ्रू द डोर? अ पोकेमॉन सेंटर इज़ अ ट्रूली अमेजिंग प्लेस एंड व्हाट्स मोर इज टोटली फ्री। आई एम इम्पा फ्रॉम एस्पिरेट सिटी, यस अनफॉर्चुनेटली आई कांट हेल्प योर पोकेमॉन एट द मोमेंट। व्हाट द पोकेमॉन सेंटर्स सॉफ्टवेयर इज अंडर गोइंग ऑन अपडेट। ओ नहीं यार ये तो गलत है, अब मैं क्या करूँगा, अपने पोकेमॉन को हील कैसे करूँगा? आई गेट अ मैसेज फ्रॉम प्रोफेसर जुलीपर फॉर यू, सी आस्क यू टू कम बैक टू द लैब। अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ बस। सो गाइस एक तरीका है जिससे हम अपने पोकेमॉन को हील कर सकते हैं, ये एक सीक्रेट ट्रिक है, मतलब सीक्रेट ट्रिक है अगर आपको पता हो तो गाइस आपको क्या करना है कि आपको अपने पोकेमॉन को रख देना है, पोकेमॉन मतलब पीसी में रख देना है और उसके बाद गाइस विड्रो कर लेना है, बस हो जाएगा काम हमारा। आई होप कि ये काम करे, वैसे तो कोई काम कर जाती है नॉर्मली, पर एक बार ओह देखो गाइस काम कर गया तो ये होती है सीक्रेट ट्रिक, तो तुम यूज़ कर सकते हो अगर कभी पीसी वगैरह मतलब सॉरी कभी पोकेमॉन सेंटर में जो नर्स जो है ना वो तुम्हारे पोकेमॉन को हील ना करे, तो तुम जाके पहले तो जाके पुलिस में कंप्लेंट करो, उसके बाद यहाँ पर आके अपने पोकेमॉन को हील कर लो। ठीक है गाइस चलो, ऐसा हो ही नहीं सकता गाइस, नर्स काफ़ी अच्छी हैं, देखो काफ़ी अच्छी हैं और क्यूट भी, देख ही सकते हो कितनी क्यूट है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि न जो तुम्हारे पोकेमॉन को हील ना करे, तो ऐसा सोचना भी मत, देखो कितनी क्यूट है मतलब सच में। ठीक है गाइस बहुत हो गया, इससे पहले कि मतलब इससे पहले कि ज़्यादा हो तो मैं निकल लेता हूँ यहाँ से। ओ ये एस कैचम कहाँ से आ गया, मैं डर गया यार। चलो गाइस बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, और ये एपिसोड गाइस काफ़ी फन था, मुझे तो काफ़ी मज़ा आई, और गेम तो मतलब मैं बता सकता हूँ कि 10/10 मतलब मैं इस गेम को 10/10 रेटिंग देने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी बढ़िया गेम है गाइस। और यहाँ पर एक पोकेल पड़ी है, इसमें क्या है? ओके एंटीडोट मिल गया गाइस हमें, तो गाइस काफ़ी मज़ा आई मुझे तो, मतलब सच में बहुत ही बढ़िया गेम है यार, मतलब इससे अच्छा गेम गाइस मैंने आज तक नहीं खेला, मतलब पोकेमॉन सेंटर देखो यार कितना बढ़िया लग रहा है, बाहर से भी अच्छा है और अंदर से तो देखो, अंदर से तो मतलब गजब ही है, अब मैं कितनी तारीफ करूँ इसकी। सो गाइस फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, और इस गेम को खेलने में गाइस काफ़ी मज़ा आने वाली है, तो एक लाइक तो बनता है गाइस इसके लिए। ठीक है, और कमेंट में लिख देना नाइस ऑसम कूल और अमेजिंग जो भी तुम्हारा मन करे। सो गाइस फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।